आज हम आपके लेकर आए हैं 5 मिनट में बनने वाला ब्रेकफास्ट हेल्दी हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी फ्रेंड्स, बनाने में आसान और खाने में लाजवाब। हमारा फ्रेंड्स आज का जो ब्रेकफास्ट है अंडे और ब्रेड से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता है। ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, जो भी अंडे की खाने वाले हैं उनको बेहद ही पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमिला, प्रमिला की रेसिपी में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लेकर आए हैं, तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम तो ले लिए हमने 3 अंडे, अच्छे से बीट कर लेते हैं इनको। जितना अच्छा अंडा बीट करेंगे हमारा ऑमलेट उतना ही बढ़िया बनेगा। तो बढ़िया से हमने इसको कर लिया है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून टर्मिक पाउडर जिसके लिए कलर बढ़िया आ जाता है, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे इसमें। अब अच्छे से बीट कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया की पत्तियां। अब पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। पैन गरम हो चुका है, बहुत ही हेल्दी और जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है ये। जिसको अंडा पसंद है उसके लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट। गैस की फ्लेम को एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे। अब हमने ब्राउन ब्रेड लिया है और इसकी हमने साइड के कॉर्नर निकाल दिए हैं। इसको इस तरह से करेंगे जिससे हमारा अंडा भी इसमें अच्छे से इसमें बढ़िया से कोट हो जाए। अब ब्रश से ही हम हल्का सा इस पे ऑयल कर देंगे जिससे इसकी साइड चेंज करें तो नीचे से भी बढ़िया से ये अच्छे से सीख जाए। बस हल्का सा ही करना है, ज़्यादा ऑयल की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओनली हमारा 1 टीस्पून में हमारा ये ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे से कुक होने लगा है। बिल्कुल इसी तरह से हमें लो फ्लेम पर ही इसको बनाना है जिससे नीचे से ये जले ना और ना ही ज़्यादा ब्राउन हो। इसकी साइड को हम चेंज कर लेते हैं, 1 साइड से ये कुक हो चुका है। देखिए बढ़िया एकदम शानदार हमारा कलर आया है इसमें, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब नीचे से भी ये बढ़िया से कुक हो चुका है, इसकी साइड को हम फिर से चेंज कर देते हैं। अब इस पे लगाएंगे हम सेजवान सॉस। आप चाहे तो यहाँ पर टमाटो केचप या जो हमारी होममेड चटनी होती है ग्रीन चटनी, आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेजवान सॉस लगा रही हूँ, और तो और आप यहाँ पर मेयोनीज भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन सेजवान का एकदम मस्त टेस्ट आता है इसमें, एकदम बहुत ही लाजवाब। अब इस पे हम थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करेंगे। 5 मिनट का हमारा ये नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब चलिए गैस की फ्लेम को हम बंद करते हैं और इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। ये लीजिए एकदम मस्त हमारा ये हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा।